2 दिन के सफ़र के बाद फाइनली अपनी जो मंजिल थी वहाँ पे पहुँच ही गया। देखना चाहोगे? हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हमारा व्लॉग है वो कुटवाल वैली के ऊपर है। गाइस यार, फाइनली हमारी जो तैयारी थी वो मुकम्मल हो गई है, तो ये मुझे आ गए हैं। ठीक है, मुझे कैसी तैयारी है? बस रेडी है। तो आज हमारा जो प्लान है वो कुटवाल वैली जाने का प्लान है। A few minutes later. यहाँ से जो लेफ्ट वाला जो रास्ता है वो गिलगित का है, और ये जो रास्ता है इधर से सिकरदू का रास्ता है। जो हमारा व्लॉग है कुटवाल लेक के ऊपर, कुटवाल लेक बिल्कुल इसी सिकरदू रोड के ऊपर आता है। A few moments later. गाइस यार, फाइनली यहाँ सस्सी में पहुंच गए। अब यहाँ से जो टूरिस्ट हैं उनको ये बताना चाहूँगा, भाई आप जब कुटवाल जाते हो, ठीक है, सबसे पहले आपने सस्सी में, ठीक है, सस्सी में आके आपने जीप होती है, ठीक है, दच की, जो कुटवाल का रास्ता है वो दच है पहला, उसके बाद फिर आगे जाके कुटवाल है। ठीक है, तो आपने जो फाइनल जो गाड़ी है वो दच तक ही जाती है, उससे आगे जाती नहीं है। तो आपने सस्सी पे आना है, ये सस्सी है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो इधर से आपको जीप मिलेगी दचों के लिए, तो आप उसको रेंट पे लें यहाँ से दचों तक। तो वहाँ से आगे जीप का रास्ता भी नहीं है, मतलब रोड नहीं है, वहाँ से आगे फिर ट्रैक का जो रास्ते वो स्टार्ट होगा, वहाँ से आगे आप कुटवाल लेक तक आपने ट्रैक करना। तो ये बताना था, आप इधर आएंगे, जब भी आएंगे इधर आओ, इधर आके आपने इधर आके गाड़ी जीप हायर करना है, जीप पे आप जा सकते हो कुटवाल लेक के लिए। थैंक यू, बाकी स्टे ट्यून यू दस। गाइस, तो जब आप सच से जीप जो है वो रेंट पे लेंगे, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा आगे आएंगे तो फिर ये आपको बोर्ड नज़र आएगा, ठीक है, कुटवाल लेक हरामुश का ये बोर्ड नज़र आएगा। तो आपने फिर यहाँ से सीधे नहीं जाना है, सीधे गिलगित की तरफ रोड है, आपने ये बोर्ड देखना है, बोर्ड से ऊपर आपने जाना है। ये जो कच्चा रोड है ये कुटवाल लेक की तरफ जा रहा है। तो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, कल सस्सी से जो दाचो तक का जो जीप का सफ़र था, रात को हम दाचो पहुंच गए थे, तो फिर रात को हमारा दाचो में हमारा स्टे हो गया। तो अभी यहाँ से जो जीप का जो रास्ता था वो यहाँ से ख़त्म हो गया है, तो अब यहाँ से ऊपर प्रॉपर जो कुटवाल लेक की जो ट्रैकिंग है वो मतलब प्रॉपर स्टार्ट हो गई है। अब सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिंग है, कोई गाड़ी का रास्ता या जीप का रास्ता नहीं है, ठीक है। तो रात को तो खैर हमारा हम यहाँ के लोकल हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे हमारा दाचो में स्टे हो गया। जो टूरिस्ट है, ठीक है, जो नॉन लोकल है, उनका फिर यहाँ दाचो में स्टे नहीं होता है, उनका फिर वो उनको इस तरह करना होता है, वो सस्सी से सुबह सुबह जीप हायर करके यहाँ तक
इधर तक आगे पत्थर है, उधर तक बस फाइनल स्टॉप है जीप का, ठीक है। यहाँ के फिर यहाँ से उनको जाना होता है इस्करे, इस्करे में जाकर उनको स्टे करना होता है, क्योंकि टूरिस्ट के लिए वहाँ पे प्रॉपर स्टे वाली जगह बनी हुई है, वो लोग वहाँ पे स्टे करते हैं। दाचो में स्टे करने की जगह नहीं है टूरिस्ट के लिए, बाकी जो इधर के जो लोकल हैं वो तो अपने रिश्तेदार वगैरह में जाके वो स्टे करते हैं, लेकिन टूरिस्ट के लिए आगे इस्कर में प्रॉपर स्टे करने की जगह है। तो ये छोटा बच्चा भी आ रहा है, देखो ये भी जा रहा है अंदर इस्कर की तरफ जा रहा है, बकरी लेके जा रहा है बेचारा। कैसे हो भाई, जा रहे हो? तो बाकी अभी यार ये बकरी पता नहीं कहाँ से आ गई है। तो अभी यहाँ से हमारा इंशाल्लाह प्रॉपर जो ट्रैकिंग का जो सफ़र है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें यहाँ से जीप वाला रोड ख़त्म है और हमने जाना है ये इधर से, ये जो बकरियाँ जा रही हैं ना इधर से ऊपर कुटवा लेक का जो रास्ता है ट्रैक का वो स्टार्ट हो रहा है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। Good morning. How are you? तो भाई कुटवा लेक पहुंच गए आज। यहाँ पे हमारी रात को कैंपिंग थी, तो अभी उठा हूँ मैं, पता नहीं टाइम क्या हुआ गया। बाहर देखते हैं कैसा नज़ारा है सुबह सुबह। आज तीसरा दिन है मेरा यहाँ पे।
बाहर का नजारा मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। फाइनली फाइनली आपका भाई दो दिन के सफ़र के बाद फाइनली अपनी जो मंजिल थी वहाँ पे पहुँच ही गया। देखना चाहोगे? ये थी मेरी मंजिल, कुटवाल लेक। ये खूबसूरत सा झील बना हुआ है, देख सकते हो। बहुत प्यारा झील है, बहुत फेमस है, दूर दूर से पूरे पाकिस्तान के या पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे। इसका नाम कुटवाल लेक कहते हैं, इसको लोकल नाम ये है, बाकी दुनिया इसको जानती है एमरल्ड लेक से। गोरे इसको जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। आप भी आप सर्च कर सकते हो गूगल में कि एमरल्ड लेक लिखो या कुटवाल लेक ही लिखो, तो इसकी पूरी डिटेल आप लोगों को आ जाएगी। फाइनली गाइस, हम कुटवाल लेक को भी क्रॉस करके कुटवाल ग्लेशियर के बिल्कुल नीचे आ गए। यार देखो, नीचे सारा का सारा ग्लेशियर है। ये ऊपर से ग्लेशियर गिरी है, नीचे आके बर्फ बन के खड़ी है। नीचे नीचे जो जितनी ये जो मिट्टी सी नज़र आ रही है ना, ये नीचे वाली, ये सारी की सारी क्या है, ये सारा का सारा बर्फ है। हम कुटवाल वैली का जो आखिरी जो पॉइंट है, यहाँ से ऊपर जगह ही नहीं है ऊपर जाने की, बस बर्फ ही बर्फ है, ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। तो यहाँ पे ये पानी निकल रहा है, ठीक है, इसको ये चश्मा है, पानी निकल रहा है अंदर से। ये चश्मे पे हम रुके हुए हैं, मैं और मुज्जू। तो मुज्जू, लस्सी पिलाओ यार। क्या किया ये? ओह गाइस, ये देसी लस्सी है, आप देख सकते हैं। तो मुझे ने लस्सी पिलाई है मुझे। तो भाई कसम से, यकीन करें, इतना मज़ा आ रहा है ना, ये लस्सी है, देसी लस्सी। वो भी देसी देसी क्या है वो,
है? देसी चपाती है ये। इसको किस चीज़ में बनाते हैं उस्ताद? तवे के ऊपर बनाते हैं ना, तवे के ऊपर, तवे के ऊपर बनाते हैं। दूध दूध से इसको आटा गूंथते हैं। तो ये बिल्कुल प्योर देसी लस्सी पी रहा हूँ मैं, पी रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं। तो देखो इतनी इतना गाढ़ा है, मैं जो ही पीता हूँ तो इधर भी लगता है। तो बहुत उस्ताद जी किधर चले गए थे यार? एक ऊपर जगह थी लेकिन वहाँ पे हम नहीं गए, हमने कहा यार बस ऊपर धूप है, उससे अच्छा हम इधर बैठे थोड़ा खाए पिए। तो यहाँ से आगे कुटवाल ख़त्म, कुटवाल वली ख़त्म, ये आखिरी आखिरी पॉइंट है बस, इससे आगे कोई पॉइंट नहीं है। आगे ग्लेशियर है, नीचे पहाड़ है, आगे अब उसके ऊपर जाना। जल्दी से आपने जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी जितने भी टूरिस्ट हैं जो ट्रैवलिंग पे वो करते हैं, ट्रैवलिंग जिनको पसंद है, उनसे उनको मैं ये कहूँगा कि आप ज़रूर कुटवाल लेक आप ज़रूर विज़िट करें, बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ पे एट अ टाइम लेक झील है वो भी आपको देखने को मिलेगा, जंगल है वो भी देखने को आपको मिलेगा, उसके साथ कुटवाल ग्लेशियर है वो देखने को भी आपको मिलेगा। तो इसके अलावा मौसम भी बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे देखने को इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेंगी। तो कुटवाल वैली, कुटवाल लेक आप ज़रूर विज़िट करें, बहुत प्यारी जगह है। तो मिलते हैं अगले कोई अच्छे से व्लॉग में, कोई अच्छी सी जगह में। तब तक के लिए गुड बाय।